press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. कुछ दिनों पहले वेस्ट बंगाल के परगना जिले से एक तस्कर को पकड़ा गया जिसके पास एक छिपकली थी जिसकी वो तस्करी कर रहा था। अब सवाल ये है कि एक छिपकली की तस्करी जिसे लोग अपने घर में देखना पसंद तक नहीं करते, उसकी तस्करी की क्या जरूरत है? अगर हम बताएं कि उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 20 करोड़ या उससे ज्यादा है तो जी हाँ, हमारे देश में एक ऐसी छिपकली भी पाई जाती है जिसकी कीमत करोड़ों में है। चलिए जानते हैं इस छिपकली के बारे में। यह छिपकली गेको नाम की प्रजाति की है जिसका नाम है टोके गेको। ये छिपकली सबसे ज्यादा एशिया और पैसिफिक आइलैंड में पाई जाती है। अगर हम एशिया की बात करें तो यह छिपकली भारत, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, फिलीपींस और इंडोनेशिया में पाई जाती है। टोके गेको की लंबाई करीब 35 सेंटीमीटर की है। इसका आकार भी सिलेंडर की तरह होता है। शरीर का नीचे का हिस्सा सपाट होता है। इस छिपकली की स्किन पर लाल धब्बे होते हैं। जानकारी की माने तो यह छिपकली वातावरण के हिसाब से अपना रंग बदलती है। इसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि यह अपने शरीर का पूरा बोझ आसानी से उठा सकती है। अब आपके मन में ये सवाल तो उठ रहा होगा कि आखिर क्या है इस छिपकली में जो इसकी कीमत करोड़ों में है। चलिए आपको बताते हैं। साउथ ईस्ट इंडिया में टोके गेको को अच्छी कीमत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। एशिया में इसकी तस्करी सबसे ज्यादा दवाइयां बनाने में होती है। ऐसा माना जाता है कि ये किडनी और फेफड़ों को मजबूत बनाती है। इस छिपकली से बना हुआ तेल लोग अपनी त्वचा पर लगाते हैं। चीन में इन छिपकलियों से मेडिसिनल लीकर भी बनाया जाता है। मेडिसिनल लीकर में टोके गेको के नाम कई छिपकलियां मिलाई जाती है तो इस कारण से इसकी कीमत करोड़ों में होती है। चलिए ये तो बात हो गई इसकी कीमत की। अब बात करते हैं अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके साथ क्या किया जाता है। इस छिपकली का ज्यादा से ज्यादा शिकार होने के कारण फिलीपींस में यह प्रजाति खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। फिलीपींस में इसकी तस्करी पर 12 साल तक की कैद का प्रावधान है। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 के मुताबिक इस छिपकलियों का बिजनेस करना अवैध है। ऐसा करने पर 3 से 7 साल की सजा हो सकती है।